अगर किसी के अप्रिसिएशन से अगर आपका आउटफिट अप्रूवल हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। जितने भी है वो सब वेस्टर्न कल्चर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टॉप। एक होता है ना कि एक्सपीरियंस मिल जाता है तो फिर गिव अप कर देने का। तो अगर आप फैशन इन्फ्लुएंसर से हो तो लोग आपको पहले लुक्स के ऊपर जज करेंगे, आपके अपीयरेंस के ऊपर जज करेंगे। किसी के स्टेटमेंट्स मैटर नहीं करते। देयर इज नो वन टू अंडरस्टैंड यू बिकॉज योर फीलिंग्स आर योर फीलिंग। हमें स्टाइलिंग करना तो पसंद है, लेकिन लॉट ऑफ फ्रेंड्स, खुद के बेस्ट फ्रेंड्स भी उन लोग को चिढ़ाते हैं दैट यू लुक एस्थेटिक का 14 एंड गे। एंड जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज पीयूष पटेल एंड यू वॉचिंग माई चैनल पी स्टार रूम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेल, दिस वीडियो इज नॉट ऑन एनी फैशन, जैसे मैं हर बार बनाता हूँ वैसे तो ये वीडियो नहीं है। दिस इज स्पेशली for the motivation, you can say. I am not a motivation guru or anything, but still I can do as a fashion, if you see me as a fashion inspiration and matlab if you see me as a fashion inspiration, because bahut log mere videos dekhte hain, they do you know say me that ki we look you as a fashion inspiration, and I also share a fashion tips to you all. So itna to mera haq banda hai ki I can also motivate you in this topic only, like in fashion only. So this video is on something जो कि बहुत लोग you know DM करते हैं, Instagram पे messages करते हैं मुझे कि bro हमें styling करना तो पसंद है, लेकिन lot of friends, खुद के best friends भी उन लोग को चिढ़ाते हैं that you look aesthetic का 14 and gay and a lot more things. You मतलब बहुत लोग negative comments आपको troll करते हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं. So basically I'll be sharing all these things के how to overcome this, and इसके अंदर मैंने कोई points नहीं add किए हैं. जैसे मैं हर videos में मतलब ऐसे सोच के बनाता वीडियो कि व्यूज़ कैसे मिले करके, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ग्रो एज वेल, यू नो लाइक आपको हेल्प भी हो. लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, नो कॉन्सेप्ट बनाया, कुछ भी नहीं बनाया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. वैसे मैं हर वीडियो में बनाता हूँ एंड आई रियली डोंट नो कितने व्यूज़ आते हैं कितने नहीं आते, डजंट मैटर्स. बट एवरीथिंग इन दिस वीडियो आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट टू यू सो दैट we can connect, right? And as an introvert person, as I am an introvert person, and if you are too introvert, because bahut log Instagram pe jo mujhe follow karte hain and wo log mujhe DM bhi karte hain ki bro main introvert hun karke, and everything I know it. And if you really want to talk with me, then definitely aap mujhe Instagram pe DM kar sakte ho. Thoda sa time lagega, main accept karunga DM, because bahut log aate hain, you know, baatein karte hain, thoda sa understand, and I need to manage videos as well. So yeah, and abhi bahut kuch baat kar li, let's dive into the video now. अभी फर्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इनसिक्योरिटीज़ को पहले तो अपने में से हटा दो. बिकॉज द टुडे द वीडियो यू आर वॉचिंग इज दिस इज होल विदाउट एनी फिल्टर, वॉट एवर यू आर वॉचिंग मी, एंड दिस इज होल मी लाइक रियल मी. मैंने इसके अंदर एक भी पर्सन फिल्टर नहीं डाला है, जो रियल है वो मैं हूँ. सो दिस इज द ऑल थिंग यू रिक्वायर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरकम विथ योर इनसिक्योरिटीज, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट, मतलब हम जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करने वाले तब तक आप खुश नहीं हो पाओगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लीज़ अपने इनसिक्योरिटीज़, आप जैसे भी हो, आप जैसे भी हो नहीं, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो, सभी अच्छे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है. जब भगवान ने हर एक पर्सन को यूनिक पर्सनैलिटी दी है, यूनिक फिंगरप्रिंट्स मतलब दिए हैं, सो डेफिनेटली यार सब एक हर एक बंदा यूनिक है. एंड अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि यार वो कितना हैंडसम है, उसका कलर वो कितना गोरा है, एंड दिस एंड दैट, हाउ डज इट मैटर यार. आई थिंक जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, नो वन विल एक्सेप्ट यू, नो वन विल अंडरस्टैंड यू. एंड वाई यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अंडरस्टैंड द फ्रंट पर्सन, जो सामने अपोजिट पर्सन खड़ा है, उसको क्यों समझाना है कि आपको कि ब्रो आई एम डूइंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड मी. वाई यू वॉन्ट टू मेक दैम अंडरस्टैंड यार, वो कुछ नहीं. इस दुनिया में देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड यू, बिकॉज योर फीलिंग्स आर योर फीलिंग, देर इज़ नो वन ओके टू अंडरस्टैंड. एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटीज, बिकॉज मैं खुद रिसेंटली इनसिक्योरिटीज़ के, स्पेशली एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, यू सी अ लॉट ऑफ क्रिएटर इन इंस्टाग्राम, नॉट इन यूट्यूब, यूट्यूब पर इतने हैं नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पर आप देखोगे तो रोज़ रोज़ कुछ अलग अलग लोग दिखते हैं आपको. एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होने लगा, अभी तो नहीं, अभी आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, बट लाइक रिसेंटली 2-3 months बिफोर आई वॉज दिस फीलिंग कि आई डोंट नो, आई एम नॉट परफेक्ट और एनीथिंग, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था. एंड आई कैन नॉट बी गुड इन दिस इंडस्ट्री, आई कैन नॉट परफॉर्म गुड इन दिस कॉन्टेंट क्रिएटर इंडस्ट्री. एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, लॉट ऑफ पीपल
judge your looks first of all, then your fashion sense. This is very important. अगर आप एक बार comedy creator भी हो और else आप कौन से भी genre के creator हो, first लोग आपको, अगर आप fashion influencer से हो तो लोग आपको पहले looks के ऊपर judge करेंगे, आपके appearance के ऊपर judge करेंगे. And you also, you are not a fashion influencer, but you are in, like, you love to style yourself, as I said. तो stay confident and accept yourself however you are, because जब तक आप अपने आप को accept नहीं करोगे, लोग आपको नहीं, लोग आपको चिढ़ा दे रहेंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मेरे को, मैं हूँ ऐसा. देन आई थिंक यू शुड नो योर वर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपना वैल्यू समझो, अपना वर्थ समझो. अपने आप को इतना भी डिसरिस्पेक्ट मत होने दो. किसी के स्टेटमेंट्स मैटर नहीं करते. अगर आपको लगता है कि आप बेटर हो, आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, तो इट्स ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेयरिंग एन आउटफिट, एंड अगर कुछ कुछ लोग मेरे, मैं भी था पहले ऐसा, अभी नहीं हूँ, बट पहले मैं क्या करता था कि आई यूज़ टू वेयर द क्लोथ्स एंड आई यूज़ टू लुक द पीपल. जब मैं दयारू कहता था तो मैं लोगों को देखता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए करके, तो अच्छा लगेगा मेरा आउटफिट. वरना किसी ने कुछ बोला है, दैट मीन्स मेरा आउटफिट अच्छा नहीं है. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट अगर किसी के अप्रिसिएशन से अगर आपका आउटफिट अप्रूवल हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. जिनको स्पेशली अगर इस कॉन्टेंट क्रिएशन, मतलब कॉन्टेंट क्रिएशन में आना है, इनको फ्यूचर में वीडियोज बनाना है, तो ट्रस्ट मी गाइज, कॉन्टेंट क्रिएशन में कितने भी जॉनर सेलेक्ट कर लो, बट स्पेशली ज़्यादा करके हेट आपको इन फैशन ही मिलता है. बिकॉज ऑन योर लुक्स, ऑन योर कलर, ऑन योर बॉडी शेप, ऑन योर क्लोथ्स, on your aesthetic routine, on your gender, and lot more things aapko milta hai. Baaki aap kisi mein bhi dekh lo, itna nahi milega, lekin especially in fashion a lot of people will troll you. So be ready, be prepared for it. Aise mazak mein na, especially best friend does that, ki mazak mein are ye karke tu to, are tu to aesthetic ka 14 hai karke, and lot of un log mazak mein aise bol dete statements, and कुछ लोगों को नहीं बर्दाश्त हो पाता. सिंस माई चाइल्ड हुड आई एम फेसिंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई नो. इसलिए मुझे अभी ऐसा है कि एक होता है ना कि एक्सपीरियंस मिल जाता है तो फिर गिव अप कर देने का, तो लाइक जस्ट इग्नोर, स्टार्ट इग्नोरिंग, गिव अप कर दो एंड इट्स ऑल राइट. अगर आपको बोलना है तो फिर सीधा मुँह पे कन्फ्रंट करो, और एल्स फिर जस्ट इग्नोर. एंड फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, आई थिंक फ्रॉम माई ओपिनियन, यू शुड ऑल इग्नोर दिस. देन डू ट्राई एंड फोकस ऑन पॉजिटिविटी. जहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है वहाँ पे चाहिए आप. इफ योर फ्रेंड इज बुलिंग यू, लेकिन आपको नहीं पसंद आ रहा है और आप उनको बोल भी नहीं सकते जस्ट बिकॉज यू रिस्पेक्ट द फ्रेंडशिप, सो दैट्स व्हाई आप नहीं बोल पाते. बिकॉज मैं भी ऐसा था कि लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से मी, और फिर बाद में बोलते थे कि अरे यार फ्रेंड्स है यार, चलता है करके, मजाक कर रहे हैं करके, दिल पे मत ले करके, ऐसा बोल देते हैं. तो दैट डजंट मीन यू कैन किल मी एंड देन यू कैन जस्ट वापस से आप मुझे उठा सकते हो सॉरी बोल के. इट डजंट मेक एनी सेंस. ओके, आप किसी को मार के आप वापस से उसको जिंदा नहीं कर सकते. जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम धीरे धीरे, ताकि उनको भी लगे कि यार कुछ तो है करके, एंड जस्ट धीरे 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 करके एवरीथिंग छूट जाएगा. एंड जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील होती है, लाइक वी कैन से टेम्पल हो गया, जहाँ पे यू नो बहुत सारी पॉजिटिविटी, इफ़ यू आर इन टू अ स्पिरिचुअलिटी, सो आप प्लीज़ टेम्पल जाइए एंड वहाँ पे यू नो थोड़ी देर बैठिए. जहाँ पे भी आपको यू नो लाइक पॉजिटिविटी फील हो रहा है, यू कैन गो टू गार्डन एज वेल, जहाँ पे कोई नहीं होता, और एल्स एनीथिंग जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी, अभी सबकी एक पॉजिटिविटी अलग होती है राइट. सो आप जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है वहाँ पे जाइए. और एल्स इफ यू आर अ क्रिएटर, इफ यू आर अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर और हूएवर इज वॉचिंग दिस, आई डोंट नो, तो वो लोग स्पेशली अगर आपको कुछ कॉमेंट्स है, लाइक पॉजिटिव कॉमेंट्स है, तो वहाँ पे चाहिए, स्पेशली डू दैट. देन ऑल्सो अगर ऐसा देखा जाए ना, तो नेगेटिव कॉमेंट में भी हम लोग पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं. नाउ हाउ, अगर किसी ने कुछ बोल दिया और आपको पता है, मतलब आई डोंट नो, आपको हिट हो जाता है वो सडनली, एंड वो ही आपके दिमाग में पूरे दिन रहता है. लाइक स्पेशली लाइक पीपल लाइक मी, मैं बहुत ओवर थिंक करूँ बहुत ज़्यादा, लाइक एक ही छोटी सी बात होती है ना, तो मैं पूरा दिन वही कुछ सोच के पागल हो जाता. पॉजिटिविटी मिलती जाएगी तो एंड यू विल बी हैप्पी ऑलवेज. बट एक नेगेटिव कमेंट होता है ना, वो आपके दिमाग को हिट करता है एंड देन यू थिंक, ओवर थिंक, एंड आफ्टर 2 to 3 days यू, आपको एक पॉजिटिविटी वापस से आती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो मैं प्रूव करके बताऊँगा करके. एंड आई डोंट बिलीव इन प्रूविंग एनी वन, बट वो एक होता है ना, एक लाइक वी कैन सी
एक जुनून से आप पैशन वो ये कहता ना कि हाँ अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा आई कैन ऑल्सो डू दैट यू नो जो लोग बोल रहे हैं ना कि तू नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता तो दैट नेगेटिव कॉमेंट कैन एक्चुअली समटाइम्स हेल्प यू अ लॉट टू फोकस ऑन योर गोल. ओके कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ या फिर कोई भी कितना भी बोल दे लेकिन दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर दैट कोई आपको कुछ भी बोले तो थोड़ा सा आपके दिमाग में वो हिट करेगा ही कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाएगा. तो दिस इज ह्यूमन बिहेवियर यू कैन नॉट डिनाई इट बट आई थिंक आप ज़्यादा करके पोलाइटली उनके साथ जो नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं उनको आप पोलाइटली या फिर स्टेटमेंट्स आते हैं लोग बोलते हैं तो उनके उनको इग्नोर करो और पोलाइटली बोलो और एल्स लॉजिकली बोलो ताकि उनकी बोलती बंद हो जाए. तो अभी रिसेंटली कुछ कॉमेंट आया था दैट वॉज ऑन स्टॉप ब्रेन वॉशिंग व्यूअर्स यू आर जस्ट बी प्राउड टू बी एन इंडियन कल्चर डो नॉट प्रमोट एनी अदर कल्चर लाइक स्पेशली वो मैंने कोरियन पे बनाया था कोरियन आउटफिट के ऊपर. सो मैंने लंबा छोड़ा सा ना उसको एक लिख के दिया और ऐसे नहीं कि मैंने तुरंत ही दे दिया मैंने दो तीन दिन आराम से मेरा जितना काम हो रहा था मैंने उतना काम पहले निपटाया एंड फिर आफ्टर दैट जिस दिन मैं फ्री हुआ उस दिन मैंने पूरा उसको टाइम दिया कमेंट को. यूजुअली मैं नहीं देता हूँ मैं कमेंट नहीं करता हूँ बिकॉज व्हाई यू वांट टू वेस्ट टाइम ऑन द सच पीपल्स जो कि यू नो लाइक गंद फैला के भाग जाते हैं तो व्हाई यू वांट टू डू दैट यू नो. सो मैंने उस कमेंट को पोलाइटली लॉजिकली बहुत अच्छी तरीके से है ना आंसर दिया कि तो मैंने बोला कि आपको इतना ही है तो आप खुद ये जो है ना आप जीन्स पैंट पहनते हो टॉप्स पहनते हो एंड यू नो शर्ट्स हुडीज एंड जितने भी है वो सब वेस्टर्न कल्चर्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टॉप ऑल दिस थिंग्स. और आप जो लैंग्वेज में आपने कॉमेंट किया ना वो इंग्लिश लैंग्वेज है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिंदी में कॉमेंट करना चाहिए अगर आपको इतना ही इंडियन कल्चर आई एम अ प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है आप खुद पहले हिंदी में लिखना चाहिए ना कि इंग्लिश में. तो मैंने पूरा लॉजिकली तो दिस इज द बेस्ट वे कि लॉजिकल बोलो या फिर इग्नोर करो ये मैं दो करता हूँ लॉजिकली या फिर इग्नोर दैट्स इट. ओके लास्टली आई कैन ओनली से दिस टू ऑल दैट यू ऑल आर स्ट्रॉन्ग यू ऑल should fight alone you don't need anyone's you know support kisi ki support ki zarurat nahi hai if you are strong you believe in yourself that's it aapko sirf apne upar bharosa rakhna hai because you can slate jaise aap pehle the aap apne aap ko improve kar rahe ho waise hi please improve karte rahiye and yeah what's keep watching my videos and supporting me as well and we will face everything together and if you feel like anything sharing with me you can definitely share with me as nowadays mental health is very important and no one focuses on that and yes yahi bolna tha and and come on yaar aap strong ho and it's all right this is a life and here you listen everything this is kaliyug man and kaliyug mein sabhi ko there is no one ki you know jo log actually aapko negative comment pilate wo bhi khud you know they are first frustrated in their life and उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके ऊपर निकालते हैं और आप अगर फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालोगे तो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग. उससे अच्छा इग्नोर इट. इग्नोरेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि पेशेंस पेशेंस इन योर लाइफ पेशेंस वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो या एंड बी स्ट्रांग एंड इफ यू फील लाइक एनीथिंग शेयरिंग मी माई डी एम्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल पीपल कैन आस्क इवन अ क्वेश्चन पैराग्राफ एज वेल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीक में ऐसा कुछ एक वीडियो डालूं. आई एम नॉट श्योर बट अगर आप पूछते हो अगर आप पता नहीं अभी. सो या दैट इज इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल हिट द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड हैंडल ओवर हियर एंड या आई विल बी मीटिंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे इन गुड बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.